पुलिस की बर्बरता श्रीनिवास बीवी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी हाय 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 मोदी हाय हाय। इस देश में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी बड़ा नोटबंदी की वजह से छोटे छोटे बिजनेसमैन को खत्म करने में लगा है, खत्म किया सरकार ने। काला धन न आएगा, अच्छे दिन न आएगा, मोदी के हम दो और हमारे दो, अडानी और अंबानी को फायदा हुआ है नोटबंदी से और किसी को फायदा नहीं हुआ। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस खा रहे हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह को खिला रहे हैं। देश की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नोटबंदी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक यह बताने में विफल रही कि नोटबंदी से असल में फायदा क्या हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आज वह महादेव रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरबीआई बैंक का घेराव करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा के इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज 5 साल हो चुके नोटबंदी को करने से, आप ये बताइए आतंकवाद खत्म हुआ? आप ये बताइए मिडिल क्लास सभी का, छोटे मिडिल क्लास हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, चाहे कारखाने हो चाहे फैक्ट्री हो, सब बंद हो चुकी है इस नोटबंदी के उससे। आप ये बताइए सब कुछ क्या ठीक चल रहा है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मगर अगर किसी को फायदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के हम दो और हमारे दो, अडानी और अंबानी को फायदा हुआ है नोटबंदी से और किसी को फायदा नहीं हुआ। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 5 साल अब बहुत हुआ, बस अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। मोदी सरकार डाउन 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 डाउन। बात करने वाली सरकार है, इस्तीफा दो। आज 50 दिन मांगे थे, 5 साल। जुमला भैया, जुमला बहुत बड़ा जुमला। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस खा रहे हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह को खिला रहे हैं। देश की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, देश का मध्यम वर्गीय परिवार बर्बाद हो रहा है, पर प्रधानमंत्री, उनके कुछ उद्योगपति मित्र, उनके गृह मंत्री के पुत्र सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। देश के परवाह नहीं है उन्हें, सिर्फ अपने ऐश और आराम की परवाह है। पर हम युवा कांग्रेस के साथी राहुल जी के आह्वान पर, श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं देगी, ये सरकार देश को, जिस सरकार ने देश को बर्बाद किया है, उन देशवासियों से माफी नहीं मांगेगी, तब तक हम अपना विरोध सड़कों में जारी रखेंगे। आपने
आज कैसे चला रहे हो? मार के आज कैसे मारे? अंदर ड्रामा कर रहा है ना? में जब से नोटबंदी हुई है 5 सालों में जो कैश फ्लो है 57% बढ़ा है, क्या कहेंगे? तो सरकार आज तक एक बार भी कैसे इस देश को इस नोट बैन से मदद हुआ, क्या फायदा हुआ, ये एक बार बात नहीं किया। अच्छे दिन का बात, इन नोट बैन के वजह से अच्छे दिन आया क्या? काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो गया क्या? आतंकवादी खत्म हो जाएगा, आतंकवादी खत्म हो गया क्या? इस नोट बैन के वजह से सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी बढ़ गया, जो छोटे छोटे व्यापारी थे उसको खत्म किया, इस देश का हालत को बदलने का काम ये सरकार ने, जो विश्वासघात करने का काम ये सरकार ने किया है। जब तक इन लोग ने आके जवाब नहीं देगा, हिसाब नहीं देगा, ये सरकार को हमने मांग करेंगे। जो लाइन लगाने में इन लोगों का आदत है, लोगों को लाइन पे लगाने का आदत है। प्रधानमंत्री मोदी जी 50 दिन का समय मांगे थे, 5 साल हो चुका है। 5 साल हो गया आज तक ये सरकार ने आज तक एक बार आके बताए इस देशवासी के सामने, इससे क्या फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ है बताया? नहीं बताया सरकार ने। क्या कहेंगे आप? आज नोटबंदी को 5 साल होने को पूरे हो चुके हैं, मगर मोदी जी ने इस नोटबंदी के अंदर जो घोटाला था उसके ऊपर आज तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या बोला था कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, पाकिस्तान को लाल आग दिखाएंगे, 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। आप बताइए ये नोटबंदी करके उन्होंने क्या हासिल करा है? गरीब जनता को लाइन में लगा के लाखों आदमियों को ऊपर, लाशों को ऊपर अपनी राजनीति करी है, अपनी माँ को लाइन में लगा के देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करा है। आप मेरे को बताइए कि उन्होंने कहा था कि ये नोट रात के 8 बजे के बाद बंद हो जाएगा, 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आपका नारा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है ये अच्छे दिन? अच्छे दिन कहाँ है? ना नौकरी नहीं है, ना रोजगार नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा था नोटबंदी के दौरान कि मुझे 50 दिन दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 50 दिन दे दिए, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। उन्होंने फिर मुझे बोला कि मुझे 100 दिन दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में अगर ठीक नहीं हुआ तो मुझे बीच चौराहे पे फांसी दे देना। उन्होंने, मोदी जी ने बोला था, अंत में अगर ठीक नहीं हुआ तो मुझे बीच चौराहे पे फांसी दे देना। आज हम ढूंढ रहे हैं मोदी जी आपको, कहाँ हो आप? फांसी आपका इंतजार कर रही है। जिस लाशों पे, जिस जनता ने अपनी मृत्यु दी है नोटबंदी में, वो जनता पूछ रही है कि मोदी जी कहाँ हो, अच्छे दिन कहाँ है, कहाँ है? शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। अच्छे दिन का बात किया था नोट बैन के वजह से, अच्छे दिन आया क्या? काला धन के बात किया था, काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो गया क्या? और आतंकवादी पूरा खत्म हो जाएगा बोले, आतंकवादी खत्म हो गया क्या? और 50 दिन के अंदर इस नोट बैन से वजह से कोई फायदा नहीं हुआ, मैं किसी चौराहे पे आके माफी मांगेगा करके बोला। आज तक हिसाब नहीं है। जो लोग इस देशवासी के साथ विश्वासघात करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, 5 साल हुआ, छोटे छोटे बिजनेसमैन को खत्म किया, सबसे ज्यादा इस देश का युवा इस नोट बैन के वजह से बेरोजगारी बन गया, और सबसे ज्यादा जो छोटे बिजनेस को खत्म किया, आज उसका हालत, उसका परिवार का हालत कौन देखेगा? और जो इसके वजह से जो GDP गिर चुका है, इस देश का हालत बदलने का काम इन लोग ने, अमीर अडानी अंबानी लोग और अमीर बने, गरीब लोग और ज्यादा गरीब बन गया। तो सर क्या कहना, पुराने नोट भी आपने पहने हैं 500 के 1000 के नोट, सरकार को हमने हिसाब मांग रहा है, जब तक हिसाब नहीं देगा तब तक हम लोग ने लड़ने का काम करेंगे। पिछले इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।